हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नए नए माइनिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं। तो आज मैं नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो आई है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL से। SECL से माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वेयर की जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में सिलेबस जो है आज ऑफिशियल वेबसाइट में आ गई है। वो सिलेबस जो मैं आपको पूरा डिटेल्स इसमें बताऊंगा। तो क्या है सिलेबस, पूरे डिटेल्स जो है इस वीडियो में आप पूरा देखिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं माइनिंग सरदार के जो सिलेबस आई है उसके बारे में। उससे पहले देख लें कि माइनिंग सरदार को जो एडवर्टाइजमेंट आई थी SECL केस से, वो आई थी 30 जनवरी 2023 को। ये माइनिंग सरदार और ओवरमैन के लिए, माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वेयर के लिए, माइनिंग सरदार के लिए जो वैकेंसी आई थी टोटल 350 वैकेंसी आई थी, जिसमें SC जो है 48, ST जो है 97, OBC नॉन क्रीमी लेयर 42, EWS 32 और अनरिजर्व जो है 131। टोटल 350 वैकेंसी थी। और साथ ही साथ डिप्टी सर्वेयर के लिए जो वैकेंसी थी वो टोटल 55 वैकेंसी है। डिप्टी सर्वेयर के लिए SC के लिए 7 पोस्ट है, ST के लिए 14 पोस्ट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 7 पोस्ट है, EWS के लिए 5 पोस्ट है और अनरिजर्व के लिए 22 पोस्ट है। तो कुल मिला के डिप्टी सर्वेयर के लिए 55 पोस्ट है। तो दोनों के लिए आज मैं सिलेबस बताऊंगा। इसका जो लास्ट डेट था 24 फरवरी 2023 तक, 23 फरवरी नाइट तक जो है इसका फुल सबमिशन करने के लिए था, और पेमेंट के लिए 24 तारीख तक था, जिसका हार्ड कॉपी जो है 7 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए था। तो आगे चलते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो SECL के वेबसाइट में आप जाइएगा, कैरियर पेज में जाइएगा, तो वहां आपको सिलेबस दिखेगा। तो हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसमें सिलेबस में बताते हैं। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड से जो सिलेबस आई है वो आई है, टोटल मार्क्स 100 का है, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 रहेंगे। तो कुल मिला के एक एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स रहेगा। तो इसके लिए टोटल 2 घंटे मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिलेगा। तो बढ़ते हैं, तो इसमें से 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा। ये है माइनिंग सरदार के लिए है, सब्जेक्ट नॉलेज जो है 80 मार्क्स का रहेगा। 10 मार्क्स जो है आपको SECL, CIL, स्टेटस स्टेट छत्तीसगढ़ के बारे में, MP के बारे में, और इसके बारे में जो जानकारी जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। तो चलते हैं, SECL का जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो 80 मार्क्स का है, उसके बारे में उसमें क्या क्या चीज है। तो सबसे पहला है डेफिनेशंस, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसके बाद उससे आएगा, जो CMR में जो डेफिनेशन दिया हुआ है, CMR रेगुलेशन नंबर 2 में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो आप एक बार कंप्लीट बढ़िया से कर लीजिएगा। दूसरा है ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कमैन, कॉम्पिटेंट पर्सन एंड ऑफिशियल, कामगार, सक्षम व्यक्ति और पदाधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारी। ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कमैन, कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑफिशियल। आगे देखते हैं ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शॉर्ट फायरर, सरदार एंड ओवरमैन। इसका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉर्ट फायरर का, सरदार का, ओवरमैन, ये तीनों पर्टिकुलरली देखना है। बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस माइनिंग प्लान, माइन प्लान से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन वो आपको जानना है। प्रोविजन ऑफ वाइंडिंग इन शाफ्ट, ये चैप्टर 8 जो है CMR में दिया हुआ है, आप इसमें जो है ये चीज एक बार देख लीजिएगा। प्रोविजन ऑफ हॉलेज एंड हॉलेज रोडवे, ये चैप्टर 9 में है। प्रोविजन ऑफ कन्वेयर बेल्ट एंड बेल्ट रोडवे, रोडवे और कन्वेयर बेल्ट और बेल्ट रोड के बारे में जो प्रोविजन, ये चैप्टर 9 में ही दिया हुआ है। प्रोविजन ऑफ ट्रेवलिंग रोडवे, डेवलपमेंट वर्क एंड डिपिलरिंग ऑपरेशन के बारे में आपको जानना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल अदर देन द बोर्ड एंड पिलर मेथड, सेटिंग एंड विदड्रॉल ऑफ सपोर्ट, ओपन कास्ट वर्किंग एंड मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, उसके बारे में जानना है। प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर ऑफ फायर, गैस, डस्ट एंड वाटर, इसके बारे में जानना है। वेंटिलेशन, लाइटिंग एंड फ्लेम सेफ्टी लैम्प के बारे में जानना है। प्रिकॉशन रिलेटेड टू एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग,
तो एक्सप्लोसिव और शॉर्ट फायरिंग के बारे में जानना है, फेंसिंग एंड गेट, गेट और फेंसिंग के बारे में आपको जानना है, जनरल सेफ्टी टू इंश्योर द पर्सन इम्प्लॉय इन माइंस, जनरल सेफ्टी खान में नियोजित व्यक्तियों द्वारा सामान्य सुरक्षा की सुनिश्चितता, यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, पीपीई के बारे में आपको जानना है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो सीएमआर 104 में दिया हुआ है उसके बारे में आपको जानना है, फर्स्ट एड जो है फर्स्ट एड के बारे में जानना है, टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव इट्स ट्रांसपोर्ट एंड यूज इन माइंस इसके बारे में जानना है, एसओपी के बारे में जानना है, पिट सेफ्टी कमिटी के बारे में जानना है, वर्कमैन इंस्पेक्टर, ड्रिंकिंग वाटर, माइंड रेस्क्यू रूल, प्रोविजन रिलेटेड टू एचईएमएम यूज इन ओपन कास्ट माइन। तो पिट सेफ्टी कमिटी, वर्कमैन इंस्पेक्टर, ड्रिंकिंग वाटर, ये तीनों चीज जो है आपको माइंस रूल में मिलेगा। आपको ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन माइंस एक्ट में भी दिया हुआ है, माइंस रूल में भी है, प्रोविजन रिलेटेड टू एचईएमएम यूज इन ओपन कास्ट माइन। तो ये सरदार के लिए सब्जेक्ट नॉलेज से इतने टॉपिक्स हैं, इतने टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस रहेंगे सिलेबस में जो दिया हुआ है। बाकी 10 क्वेश्चन जो है नॉलेज रिगार्डिंग सीआईएल का, एससीसीएल का और छत्तीसगढ़ और एमपी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। तो ये चीज इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। तो कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक मार्क्स का 2 घंटे का पेपर रहेगा। तो सरदार के लिए सिलेबस इतना ही निर्धारित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिप्टी सर्वेयर के लिए जो सिलेबस आई है उसके बारे में भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डिप्टी सर्वेयर के लिए जो सिलेबस है इसमें भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेंगे, एक एक क्वेश्चंस का एक एक मार्क्स रहेगा। 2 घंटे टाइम है, 120 मिनट, यानी 2 घंटा 120 मिनट का टोटल टाइम है। इसमें से भी एमसीक्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 80 मार्क्स के रहेंगे, एक एक क्वेश्चंस का एक एक मार्क्स। 10 मार्क्स जो है आपका स्टेट से रिलेटेड रहेगा, छत्तीसगढ़ और एमपी से, सीआईएल के बारे में, एससीसीएल के बारे में और छत्तीसगढ़ और एमपी के बारे में। 10 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के बारे में रहेगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन रहेगा वो देखते हैं। डेफिनेशंस रहेगा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वेयर एज पर सीएमआर 2017, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। प्लान्स के बारे में जानना है, सर्वेयर है प्लान्स के बारे में, इसके बारे में क्या प्रोविजन सीएमआर 2017 में दिया हुआ है, टाइप ऑफ स्टेचुरी माइंड प्लान एज पर सीएमआर 2017, रिकॉर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ माइंड प्लान, स्टडी ऑफ माइंड प्लान, स्टडी ऑफ माइंड प्लान, एक्यूरेसी इन अंडरग्राउंड एंड सरफेस सर्वेइंग एज पर स्टैट्यूट, प्लान एक्यूरेसी, नॉलेज ऑफ डीजीएमएस सर्कुलर एंड कोल माइन रेगुलेशन 2017 रिलेटेड टू सर्वे एंड माइन प्लान। तो इस प्लान के बारे में आपको जानना है, माइन प्लान रिकॉर्ड्स के बारे में जानना है, प्रिपरेशन ऑफ माइन प्लान के बारे में जानना है, स्टडी ऑफ माइन प्लान, एक्यूरेसी इन अंडरग्राउंड एंड सर्फेस सर्वेइंग एज पर स्टैट्यूट, प्लान एक्यूरेसी, नॉलेज ऑफ डीजीएमएस सर्कुलर, कोल माइन रेगुलेशन रिलेटेड टू सर्वे एंड माइन प्लान, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, यूज ऑफ सर्वे, टेक्निकल टर्म्स, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग और पर्पस ऑफ सर्वे, ये सब चीज के बारे में आपको जानना है। डिस्टेंस मेजरमेंट में आपको चैन से डिस्टेंस मेजरमेंट, टेप से डिस्टेंस मेजरमेंट या अदर्स मीन्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट आप किससे किससे कर सकते हैं, चैन, टैप और बाकी जो है वो सभी का। सोर्स ऑफ एरर एंड प्रिकॉशन इन डिस्टेंस मेजरमेंट, इससे एंगुलर मेजरमेंट में बियरिंग ऑफ लाइन जानना है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में जानना है, थर्ड लाइट में मॉडर्न थर्ड लाइट, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्ड लाइट, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, थर्ड लाइट ट्रावर्स कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एडजस्टमेंट ऑफ ट्रावर्स, टेम्पोररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट। तो इसके बारे में आपको जानना है, टोटल स्टेशन के बारे में जानना है, ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम, सर्वेइंग बाय टोटल स्टेशन, थ्योरी ऑफ एरर, एडजस्टमेंट एंड एप्लीकेशन, यूज एंड केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट, लेवलिंग के बारे में जानना है, लेवलिंग में लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइप ऑफ लेवलिंग, बुकिंग ऑफ रीडिंग,
टेम्प्रोरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट, लेवलिंग ऑफ मॉडरेट एंड स्टीप इंक्लाइन एंड वर्टिकल वर्किंग, ग्रेडियंट ऑफ ड्रिफ्ट रोडवे एंड सब्सिडेंस सर्वे, कंटूरिंग में कैलकुलेशन एंड प्लॉटिंग कैसे करते हैं, टैकोमेट्रिक सर्वे में प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टैकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट यूज एंड एक्यूरेसी, ट्रायंगुलेशन में बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन, रेकनेंस मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स एंड बेस लाइन इन टर्शियरी ट्रायंगुलेशन कंपोजिशन एंड एडजस्टमेंट, टोपोग्राफिक सर्वे, सर्वे एडजस्टमेंट एंड थ्योरी ऑफ एरर, प्रोजेक्शन में लैम्बर्ट्स ऑर्थोमॉर्फिक, कैसेनी, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्सेप्टर प्रोजेक्शन, नेशनल ग्रिड एंड ट्रांसफर एंड कोरिलेशन ऑफ नेशनल ग्रिड, मैप प्रोजेक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू नॉर्थ, अंडरग्राउंड लेवलिंग, सीम कंटूर, सब्सिडेंस लेवलिंग, अंडरग्राउंड ट्रावर्सिंग, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर ट्रावर्स, ओपन कास्ट सर्वे में जनरल कंटूर फ्रेमवर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ ओपन कास्ट सर्वे, डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन एंड एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स, कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोल स्टॉक, OBR, सम्प, कैचमेंट एरिया, डिफरेंट मेथड एंड लिमिटेशन, CIL गाइडलाइंस रिगार्डिंग कोल स्टॉक एंड OBR मेजरमेंट, डीप स्ट्राइक एंड फॉल्ट प्रॉब्लम, डीप स्ट्राइक एंड फॉल्ट प्रॉब्लम, नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट एंड डेंजर रिलेटेड टू माइन वर्किंग, स्लोप स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग इन ओपन कास्ट माइन, एप्लीकेशन ऑफ सर्वे, सर्वे एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर GIS, CAD सॉफ्टवेयर एंड यूज ऑफ कंप्यूटर इन माइन सर्विंग, एलिमेंट्री नॉलेज इन 3D TLS, 3D टेस्टेड लेजर इंस्ट्रूमेंट, लेडर सर्वे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर GNSS सर्वे, DGPS सिस्टम, ड्रोन सर्वे एंड GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतना सारा सिलेबस में पार्ट है, आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी रखिएगा, इसी से क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही साथ जो 80 क्वेश्चंस के रहेंगे, साथ ही साथ 10 क्वेश्चन जो है नॉलेज रिगार्डिंग CIL, SECL और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बारे में रहेगा 10 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस जो है 10 मार्क्स का रहेगा। कुल टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक मार्क्स का 100 मार्क्स रहेगा। तो ये सिलेबस है दोस्तों। तो अभी इस वीडियो में हम लोग जाने कि माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वर के लिए जो SECL से सिलेबस आई है, इसके डिटेल्स में जाने। आगे के वीडियो में हम नए नए माइनिंग इंफॉर्मेशन, नए नए माइनिंग जॉब्स के इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।